हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रोग। मानव रोग से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 40 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की वीडियोज़ के टाइमिंग नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचाए। आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है, सभी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए भाई, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है? तो इसका सही आंसर रहेगा, बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर है यकृत, यानी कि लीवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसका सही आंसर रहेगा प्लेग, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसका सही आंसर रहेगा मलेरिया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है, एंथोफोबिया निम्न का डर है? देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा था दोस्तों, एंथोफोबिया है आपका पुष्पों का डर, ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? देखिए हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया होता है, और ये किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है निम्न रक्तचाप, यानी कि लो ब्लड प्रेशर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा किडनी, यानी कि किडनी फेल होने की संभावना होती है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है भाई, ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है और वैसे भी कई एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसका सही आंसर रहेगा गुर्दे पर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए टेस्ट को पूरा एंड तक देखिएगा, टेस्ट पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक आते हैं। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक है आपका टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किस चीज़ की असाधारण बढ़ोतरी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असाधारणीय बढ़ोतरी होती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग न होना, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग होता है एक, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है दोस्तों? मस्तिष्क में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा जोन्स साल्क ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस बीमारी के लिए टाइवेलिया के स्थान पर टाइवेलेट के स्थान पर बाइवेलेट ओ आर वी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया?
ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट देने का बाइवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसका सही आंसर रहेगा पोलियो, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंजापन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस भी एक बीमारी है जो कि किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाहे दो बार वीडियो को देखना पड़े, थोड़ा अजीब आपको क्वेश्चन लग सकते हैं, बट दो बार तीन बार देखिए, सारे रट लीजिए, 100% एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? और जल्द ही मैं लाइव टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं, बट वो दूसरे चैनल पे रहेगा। जो पेड टेस्ट था हमारा वो फ्री मैंने कर दिया है, बट वो दूसरे चैनल पे आपको मिलेगा। दूसरे चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। BMD का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर रहेगा बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है, तो वो पीड़ित है दोस्तों बुल्मिया बीमारी से, ठीक है, बुल्मिया से, तो ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बुल्मिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छा क्वेश्चन है। शरीर में किस स्थिति का सॉरी यहाँ पे का की जगह को होगा, को कैंसर कहते हैं। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा, जब सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे श्वास सेलों का दम घुटता है और अतः मृत्यु होना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस स्थिति को कैंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो देखिए सीधा सीधा सा आपका एड्स का जो रोग होता है, ये जीवाणु के थ्रू नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल से निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो ये नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर है मिथेमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, मिथेमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आर्सेनिक 74, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये नेक्स्ट आपका है कि रक्त कैंसर, रक्त कैंसर को बोलते हैं दोस्तों ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बोलते हैं। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए समस्थानिक को बोलते हैं हम आइसोटोप, ठीक है, रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकर्ण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया भी, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, किसके थ्रू पहचाना जाता है? EEG के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। पैथेजीन जो सामान्य जुकाम के
के लिए उत्तरदायी है? पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है उसका सही आंसर हो जाएगा रिनोवायरस। ठीक है, ये आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिनोवायरस। क्वेश्चन नंबर 30 है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो हो जाता है दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकर्णों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो इसका सही आंसर रहेगा आंख। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो ये करता है दोस्तों दूषित भोजन तथा जल से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पोलियो का कारण है। देखिए दोस्तों, पोलियो का कारण क्या है? विषाणु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो गोल्डन आवर का संबंध दोस्तों हृदयाघात यानी कि हार्ट फेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हृदयाघात का, जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको हार्ट फेल बोलते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। तो बीटा ब्लॉकर जो है औषधि है दोस्तों बचाने हेतु, हृदयाघात यानी कि हार्ट फेल को बचाने हेतु, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाना होगा, ठीक है यहाँ पे खाना कर लीजिएगा, पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो वो पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस को की पहचान करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कीट के काटने से होता है दोस्तों डेंगू। ठीक है, और जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इनको आप गलती से यहाँ पे लिख दिए शायद, इसका सही आंसर रहेगा डेंगू, तो बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो देखिए, कीट के काटने से रोग डेंगू होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे दोस्तों, ये दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए गए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो ये कमी होती है दोस्तों प्लेटलेट्स की, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा कि जब भी कभी डेंगू बुखार आता है तो उसमें सीधा प्लेटलेट्स कम होती है, डॉक्टर भी बोलता है। ठीक है, जिसमें आप बकरी का दूध और ये बहुत सारी चीज़ें खाने पीनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होती है? ठीक है, गठिया रोग आपने सुना होगा, अपने बूढ़े जो बाबा और दादी होते हैं वो बहुत बोलते हैं ऐसे कि उनको गठिया रोग हो गई, ऐसा हो गया, तो ये होता है दोस्तों किसके निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होते हैं? एक यूरिका अम्ल होता है, यूरिका अम्ल। ठीक है, उसके कारण होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों पलीहा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका सही आंसर रहेगा मच्छर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।